सेंटर यहाँ पे सेंटर जजेस पैनल में भी था सो मैं कल था जो इंडोर कंपटीशन था उसका भी पार्ट था आज मैंने विनर्स को अवार्ड भी दिया तो इट्स इट फेल्ट रियली गुड टू सी अपकमिंग टैलेंट एंड अपकमिंग यू नो दे ऑल गुड लुकिंग गाइस दे आर हार्ड वर्कर्स एंड आई विश ऑल ऑफ देम ऑल द बेस्ट इट वाज एक्चुअली अ लॉट ऑफ फन मेरे को बहुत मजा आया जज करके एंड you know there was there were other big dignitaries who were judging with me so I had a lot of help as well but it was a fun experience that's what I would say mr india ko main to koi competition mein tak gaya nahi lekin phir bhi aapne judge kiya hai to kya khoobi dekhi I think it's a combination of good looks good physique and good talent as well because is competition mein ne bahut zor diya tha you know ke टैलेंट पे कि कौन अच्छा सिंगर है कौन अच्छा डांसर है कौन अच्छी एक्टिंग कर सकता है कौन अच्छा रैंप वॉक कर सकता है सो इट वाज आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड उन्हीं बेसिस पे आज जजमेंट हुई एंड आई थिंक यू नो वी पिक द राइट पीपल इट्स गुड फन बस बहुत जल्द अभी आप मुझे प्रोवोक के एड कैंपेन में देख रहे होंगे एंड It's been everywhere, and soon you'll see me on the big screen as well. We are working towards some stuff, and आपको सबसे पहले पता चलेगा आप मीडिया मीडिया को सबसे पहले खबर मिलती है. Thank you, bye bye. I'm sorry. इस इवेंट के बारे में आई थिंक इट्स क्वाइट एक्साइटिंग फॉर अ गर्ल टू बी एट इवेंट जहाँ पे मिस्टर इंडिया जज हो रहे हैं दैट मींस देयर विल बी लॉट्स ऑफ क्यूट बॉयज ऑल्दो आई हैव द हॉटेस्ट डेट बट स्टिल इट्स एन एक्साइटिंग इवेंट आई थिंक इट शुड बी फन आई एम गोना गो सी हु इज मिस्टर इंडिया व्हिच आई थिंक दे आर अनाउंसिंग नाउ एनी टाइम सून सो इट्स ग्रेट प्लेजर टू बी हियर ऑफ कोर्स यस मिस्टर इंडिया बनने के लिए मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है कि मेरा ख्याल एक एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है बहुत से अच्छी शक्लें बहुत से अच्छे लोग हमें नज़र आते हैं लेकिन एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमें बहुत मुश्किल से मिलता है एक अच्छा डांसर एक अच्छा फिजीक एक अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरा ख्याल है कि उसके अंदर उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है जो आई क्यू लेवल है आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी मॉडल एनी एक्टर एनी पर्सन टू बी ऑन द टॉप Hard to choose because there are many cute boys in Bollywood. But you know what? I would say Milind Soman, Soman, who just did that triathlon. I mean, it's so commendable that at this age he's looking so good and he's so fit and he's definitely like an inspiration for everybody, not just boys, for girls also. I think if anybody would be, he should get it. What about you? What do you think?
अगर एज को निकाल दिया जाए तो मेरा ख्याल है अमिताभ बच्चन इज द परफेक्ट मिस इंडिया, मिस्टर इंडिया, सॉरी मिस्टर इंडिया, एंड या आई थिंक ही इज द परफेक्ट मिस्टर इंडिया. थैंक यू. करीना जी आए, करीना जी वर्मा, करीना जी आप यहां पे मैम सामने मैम. दादा ये भाई आना भाई, मेरे को हम लोग को भाई चाहती हूँ दैट फैंटम शुड बी बिगर एंड बेटर देन बजरंगी भाई. I
guess that's the key to success. जी हाँ, अभी हम आपको कहाँ देखने वाले हैं? जी अभी अभी तो शो खत्म हुआ है एंड देयर आर फ्यू अदर शोज इन द पाइपलाइन, सो आई एम नॉट श्योर व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट, बट बहुत जल्द एक अनाउंसमेंट आएगी. थैंक यू. Because Bombay Times is very close to me, I'm very fond of them, and just came to cheer them. One of the Times properties, Romani, now that's one of the nicest movies, Chef, the amazing Bonnet. We want to ask you, from know from you, what is your favorite dish? Do you cook at all? Do you follow a certain diet? I don't know how to cook, so I'm not a good chef, so I can't comment on that. No, but what's your diet like? Let's ask something about Mr. India, no? Adult comedy है बस, मतलब और क्या कहना चाहूँगा. Are you excited about adult comedies? Yes, then please, मतलब I hope audience also is as excited as you. आजकल मतलब सेंसर के बहुत इश्यूज होते हैं, तो I hope हमारी फिल्म के साथ ना हो और फिल्म जैसे क्याकुल 1 क्याकुल 2 हिट हुई थी वैसे 3 भी हो जाए. तो कहाँ तक पहुँची है? एक गाना बाकी है, दो तीन गाने, दो गाने बाकी हैं. थैंक यू. थैंक यू सर. तुमको भी क्रिकेट सर यहाँ पे देखना सर यहाँ पे. थैंक यू सर. सर यहाँ पे. किया है और जब इतना बड़ा एक ब्रांड आपके साथ जुड़ा हो, जब इतने
सारे ब्रांड्स जुड़े हैं आपके साथ जो मेरे पीछे हैं, तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. और आई थिंक जब मिस्टर इंडिया की बात है तो डेफिनेटली आई थिंक कॉम्पिटिशन अच्छा होगा और लेट्स होप द बेस्ट गाय विंस. एंड आई एम होपिंग, आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और मिस्टर इंडिया है 2015 से, आई एम श्योर जॉइन करेंगे. पुरानी यादें हाँ, मतलब डेफिनेटली पिछले साल मैं नहीं आ पा रहा था बिकॉज मैं बिजी था, बाद में ट्रैवल कर रहा था. लकली इस साल मेरे लिए पॉसिबल हुआ है आना. आई एम जस्ट होपिंग कि मैं इंजॉय करके मैं फटाफट मुझे वापस शूट पे जाना है कल सुबह और वापस सुबह. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड शो. थैंक यू. हाँ ये सर ठीक है. मैम यार, मैम यार, मैडम सेंटर, मैडम मैडम सेंटर, मैम यार यार, मैम यार, मैम यार, चलो पीछे पीछे. Thank you.
Yeah. Okay. Thank you so much.